बात करेंगे रसासी के दारिश के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बात करने वाले हैं रसासी के दारेज के बारे में। बड़ा स्पेशल परफ्यूम है, बहुत ही डिफरेंट परफ्यूम है ये। इसकी बॉटल आप देख लें, पहले प्यारी सी बॉटल है, सिंपल सी बॉटल है, स्टार शेप बॉटल है, कैप ऐसा है। बॉटल एक्चुअली ये थोड़ा थोड़ा दिखता है बॉन्ड नंबर 9 एक कंपनी है उसके तरह, और इसकी कैप मोब्रॉ का एक परफ्यूम है उसके कैप की तरह दिखता है। तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन खास तो हम इसके जूस के बारे में बात करेंगे। महंगा नहीं है परफ्यूम, तो मैं इतना माइंड नहीं करता। कांच की बॉटल है, इसके बॉक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स बहुत ही बेसिक बॉक्स है, देखिए सिंपल सा बॉक्स है। ये कहता है पोर ओम, और नीचे बैच कोड है मेरा 2019 का है ये, और ये मेड इन यूएई है। अंदर से बहुत ही सिंपल कार्टन है इसका, ये देखिए नथिंग स्पेशल। सच कहूँ तो बहुत से मिठाई के डिब्बे और चॉकलेट के बॉक्स इससे ज़्यादा अच्छे आते हैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। इवन उस तरह कंपनी के बॉक्स उससे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो बॉक्स में कुछ स्पेशल नहीं है। असली बात तो इसके जूस के बारे में है। ये जो है ये ओरिएंटल स्पाइसी परफ्यूम है, उस अकॉर्ड में जाता है ये वार्म स्पाइसी। बहुत ही यूनिक परफ्यूम है। देखिए अगर मैं सबसे पहले इसके बारे में बोलूं, तो ये परफ्यूम जो है ये बहुत वर्सेटाइल परफ्यूम नहीं है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसको मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, इसको मैं कभी कभी लगाता हूँ, क्योंकि ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि डेली यूज़ में यूज़ किया जाए। बहुत यूनिक परफ्यूम है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। ये रिव्यूअर्स कहते हैं, काफ़ी परफ्यूम रिव्यूअर्स, कि ये वैलेंटिनो वी की तरह इसका स्मेल है, जो कि मैंने नहीं स्मेल किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितना स्मेल करता है उसके क्लोज। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत मतलब महंगा, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अब वो $400 मतलब उस रेट में जाता है ईबे पे। तो कोई भी चीज़ जो डिसकंटिन्यू हो जाती है तो ऑफकोर्स वो बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन मैं एज अ परफ्यूम, एज लाइक इसको अलग परफ्यूम की तरह मैं कहूँ, तो ये बहुत स्पेशल है मेरे कलेक्शन में। मैं कहूँ तो यूनिक परफ्यूम की तरह ये परफ्यूम है। इसको स्प्रे कर लेते हैं पहले थोड़ा स्ट्रिप पे। देखिए कितना अच्छा स्प्रे है, एडमाइजर अच्छा है, इसका क्लाउड भी अच्छा है, थ्रो अच्छा है। इवन आप इसके स्प्रे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर आप हाफ स्प्रे भी जाएं तो आपको मतलब कंट्रोल किया जा सकता है उसे। एक चीज़ है, इसकी ओपनिंग थोड़ी हार्श है, लेकिन ड्राई डाउन में जो चमक के निकलता है ये, मतलब मैं क्या कहूँ। मैं इसको पता है कैसे, अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो अपने बॉलीवुड के हिसाब से, तो इरफान खान है अपने, पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि वो बुरे एक्टर हैं। वो इतने स्पेशल, इतने अच्छे एक्टर हैं कि हो सकता है कि किसी के फेवरेट ना हो, सकता है कोई उन्हें ना पसंद भी करे, लेकिन वो पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन उनकी कारीगरी, उनके मतलब क्राफ्ट पे बात नहीं आ रही है। ये परफ्यूम वो परफ्यूम है। ये परफ्यूम क्या है ना, रसासी ने जो बनाया है, ये बड़ा ही कहूँ तो अंडररेटेड परफ्यूम है। खूबसूरत स्मेल, मतलब ये समझ लीजिए कि मस्कुलिन स्मेल है, और ये एक बॉर्डर लाइन पोलराइजिंग मतलब वैसा है स्मेल। इसके नोट्स हैं क्यूमिन। अब मैं क्यूमिन कहूँगा तो आप कहेंगे जीरा का कैसा एक नोट होगा, लेकिन क्यूमिन, कार्डमम और वनीला का बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें रोज़, कुछ गुलाब इसके मिड नोट में है। फिर अगर बेस नोट की बात करूँ तो टोंका बीन है, और मुझे थोड़ा चंदन भी, थोड़ा सा सैंडलवुड भी महसूस होता है। तो अब देखिए इसके जो स्मेल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो जो हम जो हमारे पान की दुकान होती है, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एक कैसी स्मेल, एक कॉम्बिनेशन स्मेल होती है ना, कत्थे की, पान की, वैसा ये ओरिएंटल में वैसा। और देखिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने पान और कत्था बोला है तो
किसी भी तरीके से मैं इसको मतलब डिमीन करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुरा स्मेल करता है, नहीं, ये परफ्यूम जो है ये आपको ना एक कॉन्फिडेंट मैन, मतलब अगर आप इसको लगाए हैं तो मैच्योर स्मेल करेंगे आप, स्मेल करेंगे एक कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा इंसान जो मतलब जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर इसके बारे में बात करूं कि इसको कहां कहां आप लगा सकते हैं, तो इसको आप ऑफिस लगा के जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा कि आपके कुलीग कोवर्कर्स कैसे, कितना मतलब वो कैसे इसको रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पाइसी परफ्यूम है। तो जैसे मैंने बोला ये बॉर्डर लाइन पोलराइजिंग स्मेल है, कॉन्फिडेंट स्मेल है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 या 3 स्प्रे लें करें अपने कपड़े पे या फिर स्किन पे, और उसके बाद मतलब आप देखें कि ये कॉम्प्लीमेंट देगा, ज़रूर देगा, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि यार ये क्या है, ये मतलब अलग है लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा इसमें। देखिए आप कोई रिव्यू देखेंगे ना, लोग ये नहीं बात करते कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं बात करते ज़्यादा। मैं अपने पैसे से परफ्यूम ख़रीदता हूँ तो मैं आपको अनबायस्ड बात बताऊँगा, मैं भी इसको तब तब लगाता हूँ जब मुझे अंदर से एक कॉल आती है, मुझे महसूस होता है कि यार मैं आज इस परफ्यूम के स्मेल को मतलब लिटरली चाहता हूँ कि मैं वैसा स्मेल करूँ, क्योंकि ये डिफरेंट स्मेल है, ये फ्रेश जो सेफ स्मेल होती है ना ये वैसी नहीं है। और जैसे हमने बात कर ली कि जो कत्थे जैसा एक थोड़ा सा इसमें जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है, क्योंकि गुलाब और क्यूमिन और वनीला का जो एक वो है अमैलगमेशन है वो ना वो थोड़ा थोड़ा वैसा महसूस होता है, क्योंकि ये ओरिएंटल अपने मिडिल ईस्ट इंडियन पाकिस्तानी वैसा, और आप समझ पाएंगे देखिए, क्योंकि आपको एक रेफरेंस दे भी सकता हूँ, लेकिन जो बाहर वेस्टर्न होते हैं वो कत्था नहीं समझेंगे क्या होता है, पान नहीं समझेंगे उस हिसाब से, तो मैं ये आपको बात बोल सकता। तो देखिए बहुत खूबसूरत स्मेल है, बहुत मस्कुलिन स्मेल है, और ये सच कहूं तो एक कॉन्फिडेंट स्मेल है। तो अगर आप ये 1500 का एक परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसे खरीदें, ये यूनिक है। देखिए और एक बात ये भी कहूं कि अगर यही कोई फ्रेंच कंपनी बना रही होती इस परफ्यूम को, तो मैं इजीली इसको देख सकता हूं 60 से 70 डॉलर तक में ये परफ्यूम बिकते हुए। ये एक डिज़ाइनर क्वालिटी है इस जूस में, मैं ये कह सकता हूं इजीली, और मैं खुश हूं इसको ख़रीद करके, मैं अपने कलेक्शन में इस परफ्यूम को रख करके बहुत खुश हूं, और मेरा जो इसका एक्सपीरियंस है इसके साथ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये स्किन पे ईजिली 6 से 7 घंटे रहता है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है, करीब 3 से 4 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है, 1.5 से 2 फीट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्शन है। देखिए ये बीस्ट मोड में नहीं है ये, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, देता है, तो वो बात है। मैं सभी लिंक्स वैसे डालूंगा जहाँ जहाँ पे भी ये अवेलेबल है इंडिया में, और ये एक सॉलिड मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है। तो अगर आपका बजट है, अभी आप आगे चल के इस लॉकडाउन के बाद अगर कोई परफ्यूम ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये ख़रीद सकते हैं। इस परफ्यूम को मैं अपने जो त्यौहार होते हैं ना, फेस्टिवल्स, उसमें मैं इजीली देख सकता हूँ लगाते हुए। इवन मैं जब नेक्स्ट टाइम इंडिया जाऊँगा तो दिवाली में डेफिनेटली इसको लगाने वाला हूँ, जब कभी कुर्ता पैजामा पहनूंगा, या फिर कोई ईद के टाइम पे। ये बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, मतलब मैं सच कहूँ तो एक देखिए बोल्ड एक डिफरेंट परफ्यूम बनाना ना एक रिस्की काम है, एक ईजी चीज़ नहीं है किसी परफ्यूम कंपनी के लिए। तो ये जो फ्रेश परफ्यूम होते हैं ना, ये वैसा कुछ नहीं है, ये अपने में एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा इसके नोट्स को समझें, और 1500 का है अगर आपका बजट है, इस लॉकडाउन के बाद अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इसको अपने ऐड करें कलेक्शन में। खूबसूरत स्मेल है, ओरिएंटल स्मेल है, और परफॉर्मेंस में बहुत प्यारा परफॉर्मेंस देगा आपको, ये डेली यूज़ भी किया जा सकता है। ये देखिए ये आपका सिग्नेचर स्मेल बन सकता है अगर आप चाहें, लेकिन वही बात है, आप कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सभी लिंक्स डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी ये अवेलेबल है इंडिया में, और आगे चल के अगर मुझे कोई भी कूपन या डिस्काउंट कोड मिलता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से यूट्यूब थोड़ा इसे पुश करेगा और लोगों को सजेस्ट करेगा, तो चैनल ग्रो करेगा, और सब्सक्राइब करें परफ्यूम ज्ञान को,
और उस बेल उस घंटी पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी वीडियो मिस ना करें आप। मैं आगे चल के खूब लिस्ट बनाने वाला हूँ, रिव्यूज़ कंपैरिजन बनाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप परफ्यूम ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें इस लॉकडाउन के टाइम में। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार। टेक केयर।